क्योंकि सरचार जी कुछ दिनों में रामनवमी का त्यौहार आने वाला है। रामनवमी के दिन राम भक्त हनुमान जी की पूजा आराधना की जाती है, तो उनके पूजा आराधना में विशेषकर किन बातों को ध्यान रखने की जरूरत है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। 17 अप्रैल को होने वाला राम नवमी, जिसमें नाम है राम जी का और पूजा होता है हनुमान जी का, तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, सीता राम की कृपा पाने के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। तो हनुमान जी की पूजा में विशेष रूप से ध्यान रखें। जो पूजा आप करने जा रहे हैं उस देवता के अनुरूप आपको बनना पड़ेगा। सबसे पहली बात है, हनुमान जी की पूजा में आप लाल वस्त्र अवश्य धारण करें, और लाल वस्त्र के साथ आप लंगोटी यदि पहनते हैं तो लंगोटी अवश्य पहनें, जनेऊ धारण करें और शिखा को निश्चित रूप से बांध करके बैठें। शिखा यानी चोटी, पुच्छी और लंगोटी, ये होना, जनेऊ होना अति आवश्यक है। यदि आप जनेऊ नहीं पहनते हैं तो आप चोटी अवश्य बांधें, लंगोटी अवश्य पहने और लाल वस्त्र पहन करके ही हनुमान जी की पूजा करें। विशेष ध्यान रखें कि पीला सिंदूर का तिलक अवश्य लगाएं। हनुमान जी की पूजा करने के लिए पीला सिंदूर का टीका, चंदन जो माथे पर लगाया जाता है, उसको निश्चित रूप से लगा करके भगवान राम जी की पूजा करें और हनुमान जी की पूजा करें। तो यदि आप वस्त्र पर ध्यान रखेंगे तो हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर निश्चित होगी। इधर जत्र तत्र कोई भी वस्त्र पहन करके पूजा करने से आपको लाभ नहीं हो सकता है, इसलिए देवम भूत्वा देवम यजेत की बात को मान करके, जो हमारे वेदों ने कहा है कि जिस देवता का पूजा आप कर रहे हैं उस देवता के अनुरूप आप वस्त्र धारण करें तो आपको पूजा का फल निश्चित प्राप्त होगा।